आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड पुलिस मुख्यालय में लगी आग, बीमारियों से मुक्ति दिलाने के नाम पर करा रहे धर्म परिवर्तन, पीहू देखकर नम हो जाएंगी आपकी आंखें। रांची झारखंड पुलिस मुख्यालय में अचानक आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। एक पुलिसकर्मी भी आग में झुलस गया है। गाजीपुर जिले में धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाने के नाम पर धर्म परिवर्तन की दुकानें धड़ल्ले से चल रही है। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि आर्थिक मदद और इलाज की आड़ में गाजीपुर में कुछ लोग गरीबों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जबकि इलाज करा रहे मरीजों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। बता रहा हूँ मैं, अभी ये तीन गांव की, इस गांव की बता रहा हूँ। तीन गांव कितने? यहाँ कम से कम 30 से 32 परिवार हैं जो वहाँ जाते हैं प्रार्थना स्थल पे, लेकिन वो लोग अब महसूस कर रहे हैं इस चीज को कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं, इसलिए मीडिया के सामने आकर नहीं बताते हैं। क्या विशेष तौर पर किसी खास जाति से आते हैं या किसी भी जाति के लोग? नहीं, ये विशेष जाति से नहीं आते हैं, ये गरीब तबका होता है, अनपढ़ तबका होता है, और चूंकि गांव का कोई प्रभावशाली व्यक्ति ईसाइयों को संरक्षण देता है, पादरियों को, कोई गांव का प्रभावशाली व्यक्ति या कोई गुंडा बदमाश जो उस टाइप का होता है वो संरक्षण देता है। प्रलोभन भी दिया जाता है। विनोद कापड़ी के निर्देशन में बनी 2 साल की बच्ची पीहू की कहानी सिनेमा घरों तक पहुंच चुकी है। फिल्म का ट्रेलर जब आया था तो दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया। ट्रेलर देखकर इस फिल्म को देखने का उत्साह 2 गुना हो गया था। अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो जानते हैं कि कैसी है फिल्म और कैसे दे रही है बच्ची पीहू सबके दिलों पर दस्तक। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।